press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पैक्स चुनाव होने ही वाला है, उसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में गर्माहट शुरू हो गया है। ताजा मामला पैक्स चुनाव के अध्यक्ष पद में नॉमिनेशन देने गए पांडव मंडल को ब्लॉक प्रेशर से ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन काफी गर्म माहौल के बाद उसे नॉमिनेशन देने की इजाजत दे दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शराब के केस में बेल टूटने उसे गिरफ्तार किया गया है। उसका घर श्रीचक बताया जा रहा है। पांडव मंडल ने आरोप लगाया है कि हमें विपक्ष ने ही गिरफ्तारी करवाया है, क्योंकि बेल टूटने से बहुत दिन हो गया है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जब आज नॉमिनेशन देने गए तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया कि प्रचार प्रसार ना कर सके। भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। पुलिस आज ही क्यों आपको गिरफ्तार किया? कल भी कर सकता था, परसों कर सकता था, कल भी आप सभा में बैठे हुए थे। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, इसके पीछे किसी का हाथ है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, ये साजिश है। क्योंकि कल तक हम वहाँ थाने पे गए हुए थे, कल तक हमको नहीं परमिशन दिया गया था। कल अगर देते तो हम कल तक बिल कला के वापस हो जाते। जितने के बाद में आपका क्या रहा है जनता के? बिल्कुल, जनता का हमारा भरपूर सहयोग है और उम्मीद है कि ताबड़तोड़ जीत कर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में पैक्स नामांकन के दूसरे दिन 7 पंचायत के आलोक में 5 पंचायतों में पैक्स नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया, जिसमें 2 पंचायत बसंतपुर वही चिचरौन से कोई भी उम्मीदवार नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। वही इस मामले में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि 5 पंचायत से पैक्स के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कुमेठा से अमरनाथ झा, नूनसर से रंजन कुमार सिंह, वरुण मंडल कटेहरा से राजेश कुमार, नयागांव से मुकेश कुमार चौधरी, चंद्रशेखर सिंह कहरिया से अंजनी सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह एवं सदस्य पद के लिए कटेहरा देवेंद्र मंडल, पीयूष रंजन, गंजन आलोक कंपनी ताती, बिंदा देवी, बेबी देवी कहरिया से सुमन कुमार, चंदन कुमार ने नामांकन पत्र का फॉर्म है। इस दौरान प्रखंड के निर्वाचित कर्मचारी राजेश कुमार दास, मुकेश कुमार, विजय कुमार, आशुतोष कुमार ने 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा लिया। पंचायत से फैक्स के लिए नामांकन किए हैं, उसमें जो है प्रस्तावक का जो है साकुन प्रखंड में कहीं शपथ पत्र नहीं लिया गया। और जब BDO साहब से हम सुल्तानगंज से बात किए तो उन्होंने कहा कि शपथ पत्र का कोई आवश्यकता नहीं, आप मत कराइए। और आज जो है यहाँ GPS जो नामांकन ले रहे हैं उन्होंने कह रहा है प्रस्तावक का शपथ पत्र लगेगा। और उनको जब हम पूछे कि आपका गाइडलाइन में कहाँ है अंकित लिखा हुआ, तो उन्होंने एक चिट्ठी दिखाया तो उसमें कहीं वर्णित नहीं किया गया। इससे जो है यहाँ के अभ्यर्थी को काफी परेशानी हो रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड में अध्यक्ष और सदस्य कार्यकारिणी प्रबंधक समिति के पद के लिए और काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह, करहरिया फैक्स पंचायत से पदाधिकारी सुल्तानगंज। जी सर, सामने सर, सामने देखना सर। कितना नॉमिनेशन सर आज हुआ है सर? 7 पंचायतों को। कुमेठा पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए अमरनाथ झा, पिता नागेश्वर झा, स्वर्गीय नागेश्वर झा दिया है। कुमेठा ग्राम पंचायत में नोनसर ग्राम पंचायत प्राथमिक कृषि से नोनसर से आया है अध्यक्ष पद के लिए 2, जिसमें रंजन कुमार सिंह असियाचक नोनसर और वरुण देव मंडल असियाचक नोनसर, ये अध्यक्ष पद के लिए प्राथमिक कृषि कटहरा के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री राजेश कुमार ग्राम पोस्ट कटहरा और सदस्य के लिए श्री देवेंद्र मंडल पिछड़ा वर्ग, ये सदस्य के लिए, फिर सदस्य के लिए पिछड़ा वर्ग सदस्य के लिए श्री पीयूष रंजन कटहरा, सामान्य वर्ग सदस्य के लिए गुंजन आलोक कटहरा, अनुसूचित जाति सदस्य के लिए कंपनी ताती कटहरा, सामान्य वर्ग महिला बिंदा देवी ग्राम कटहरा और सामान्य वर्ग सदस्य बेबी देवी कटहरा, नया गांव के लिए नया गांव प्राथमिक कृषि के में अध्यक्ष पद के लिए श्री मुकेश कुमार चौधरी,
अध्यक्ष पद के लिए श्री चंद्रशेखर सिंह नयागांव। अब करहरिया प्राथमिक कृषि के लिए अध्यक्ष पद के लिए अंजनी सिन्हा ग्राम पिपरा, अध्यक्ष पद के लिए दिलीप कुमार सिंह ग्राम बरहरा, सामान्य सदस्य के लिए सुमन कुमार, सामान्य सदस्य के लिए हिमांशु कुमार, सामान्य सदस्य के लिए चंदन कुमार ग्राम पिपरा। नॉमिनेशन आज किया गया, आज 29 तारीख को दो पंचायत से दो पंचायत जिसका नामांकन नहीं हुआ। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रूटीन वर्क जिले के विभिन्न क्षेत्रों सहित थानेश्वर स्थान मंदिर से लेकर विभिन्न एरिया के मिठाई व राशन की दुकान पर से मिठाई का सैंपल लिया गया। वहीं तत्काल इसकी जांच कर संबंधित प्रतिष्ठान मिठाई के दुकान मालिकों को इस मिठाई में क्या क्या कमी है उसी के बारे में विस्तार से बताया, जिस कारण समस्तीपुर में खाद्य सुरक्षा के बारे में बताए जाने के कारण उपभोक्ता और दुकानदारों के कारीगरों को जागरूक किया गया। इस जागरूक अभियान में वरीय वैज्ञानिक सुरेंद्र प्रसाद, वरीय विश्लेषक मुनेश चंद्र प्रसाद, परिचय महावीर चौधरी और चालक लव कुमार पटना से आई टीम अभियान में शामिल थे। समस्तीपुर से रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। इसके अंतर्गत हम लोग आज रूटीन वर्क में समस्तीपुर हम लोग का विजिट है और समस्तीपुर के बीच में थानेश्वर स्थान बस स्टैंड समस्तीपुर पर हम लोग यहाँ पर इसका फूड एडेप्टेशन का जांच प्लस अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग की गाड़ी पटना से आज 12 बजे यहाँ पर आई है और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में अब तक हम लोगों ने 36 सैंपल जांच किए हैं और अभी प्रक्रिया हम लोग की जारी है। सर, जांच में क्या क्या कमी भी मिला है क्या? अभी कुछ में स्पंज में है, रसगुल्ला होता है, उसमें स्टार्च पाया गया है कुछ में, ठीक है ना। हम लोगों ने उन लोगों को दुकानदार को समझा दिया है इसमें अरारोट या मैदा उसमें आप न मिलाएं ताकि उसमें स्टार्च का परसेंटेज न रहे। हाँ सर, बताएंगे आप। बिहार सरकार की तरफ से MFPL गाड़ी हम लोग को उपलब्ध कराई गई है। ये जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर करना है, जागरूकता फैलाना है और जो भी दुकानदार में कमी है या उसके खाने पीने के सामान में जो मिलावट पाई जा रही है उस मिलावट के बारे में दुकानदार को समझाना है कि आइंदा आगे ऐसा नहीं करें। उनके सामने टेस्ट करके उसको पॉजिटिव है तो दिखाना है, नेगेटिव है तो वो भी दिखाना है और उनको बताना है कि ऐसा आगे नहीं करें। अभी यहाँ जहाँ तक समस्तीपुर की सवाल है, यहाँ रसगुल्ले में स्टार्च पाया गया और कलाकंद है उसमें स्टार्च पाया गया, लड्डू यहाँ का ठीक है, हल्दी धनिया ये सब ठीक है, धनिया पाउडर एक है उसमें स्टार्च पाया गया और जो भी सामान जो जांच किया जा रहा है आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा मुनेश चंद्र प्रसाद हुआ। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ सुन प्रसाद, वरीय वैज्ञानिक शायद। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.